वेलकम बैक टू द चैनल। और सबसे पहले जय माता दी। नवरात्रि का टाइम आ रहा है और नवरात्रि के दिनों में सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं कि आपके शरीर में एक अच्छी हेल्थ आप अचीव करें, आप अपने बिजनेस में, जॉब में सक्सेस पाएं, आपके घर में उन्नति हो और आप स्पिरिचुअली भी और स्ट्रांग हो जाएं। ये टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है आप अपने आप को ग्रो करने के लिए। बेस्ट टाइम होता है कि आप अपने आप से बात करें, परमात्मा से जुड़ें, ज्ञान लें, बहुत सारा ये गोल्डन पीरियड बोलते हैं हम इसको, कि जब नवरात्रि का टाइम आता है आप वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स की बहुत अमेजिंग होती है। आप देखेंगे आपको मंदिरों में घंटियां सुनाई देंगी, लोगों के घरों से पूजा की आवाज़ें सुनाई देंगी, आरती चल रही होती है। तो मतलब एक टाइम ऐसा है जब ऑल ओवर यूनिवर्स आपके सराउंडिंग में बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। तो इस टाइम को हमें यूज़ करना है और आज हम बात करेंगे कि वो टिप्स जो आपको इस टाइम पे और भी स्ट्रोंग बनाएंगी और आपको एक हेल्दी रहने के लिए हेल्प करेंगी, आपके फिटनेस गोल्स में हेल्प करेंगी। तो इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। जब भी नवरात्रि आते, साल में दो बार आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि या तो हम गर्मी से सर्दी में जा रहे होते हैं या हम सर्दी से गर्मी में आ रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट हम वेदर चेंज को फेस कर रहे होते हैं। इस टाइम पे हमारा डाइजेशन, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी वीक पड़ जाती है बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ठंड, सर्दी, खांसी, जुकाम और ये फीवर, ये सब चीज़ें वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोग इसके गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं कि हम फिर से अपने बैक टू रूटीन आए। तो अगर आप पहले से ये चीज़ें फॉलो करने लगें, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है, अभी एकदम से गर्मी आ जाएगी, तो बहुत सारे लोग जो अपना ध्यान नहीं रख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं चपेट में आ जाएंगे इस मौसम के। तो आपको सबसे पहला ध्यान क्या देना है कि अपने क्लोथ्स में और अपने डाइट में आप पंखा, एसी, ये सब चीज़ें जो यूज़ करते हैं हम, अभी थोड़ा सा हमें सहन शक्ति को बढ़ाना है। अभी होता क्या है कि कभी हमें गर्मी लगने लग गई, कभी हमें ठंड लगने लग गई, तो वो गर्म सर्द में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो होमोस्टेसिस है, हमारी बॉडी का जो थर्मोस्टेट है, ये सब बिगड़ जाता है, जिससे हमें जुकाम, खांसी, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो कोशिश करें जब भी आप घर से बाहर निकलें, अगर आप टू व्हीलर या किसी भी चीज़ पे आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी बॉडी को अच्छे से कवर करें। और ठंडा मौसम आपको गर्म सर्द एकदम लग सकता है, हो सकता है आप घर में पंखे में बैठे हों और बाहर निकलें ठंडी ठंडी हवा में, तो एकदम से आपको जुकाम, खांसी, ये सब चीज़ें हैं। तो कोशिश करें पंखे का यूसेज, एसी का यूसेज अभी कम ही रखें। जब आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए गर्मी, तभी हमें इन चीज़ों का यूसेज करना चाहिए। और जितना हम कम यूज़ करेंगे हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम उतना ही कार्बन फुटप्रिंट कम करते हैं। तो गाइस उसके बाद आती है डाइट की बारी। अभी डाइट में क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते गर्मी आ गई है यार, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स ख़त्म हुए हैं, ये मार्च एंड एक टाइम ऐसा होता है हर किसी का दिल करता है कुछ ठंडा खाएं, आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें। उससे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है और आप ये सब चीज़ें खाते हैं, तो आपकी बॉडी के लिए वो एकदम से शॉक होता है, क्योंकि अभी 3-4 महीने से आप ठंडे का ठंड का प्रभाव से गर्म गर्म चीज़ें खाते आ रहे हैं और एकदम से आपने बॉडी में ठंडी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के लिए वो शॉक होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप झेल जाओगे, इम्यूनिटी अगर थोड़ी सी भी वीक है, आप आपको छींके, स्नीजिंग होना, खांसी होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो मेक श्योर अगर आप कोई चीज़ ठंडी खा भी रहे हैं, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर नॉर्मल करें और तब उसको यूज़ करें। और गैस अभी इन दिनों में क्या होता है, बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग फास्ट व्रत रखते हैं ना, तो व्रत का मतलब ये होता है कि हम 7-8 दिन अभी हम अन्न नहीं खाएंगे, हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे। क्यों ये चीज़ें चलती आ रही हैं, क्योंकि जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग और पूर्वज थे, उन्होंने ये चीज़ें इसलिए बनाई थी कि हमारा डाइजेशन ऑलरेडी वीक होता है इस टाइम पे, तो हम जो हाईली हार्ड टू डाइजेस्ट चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें, स्पेशली नॉन वेज, एग्स, ये सब चीज़ें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे एथलीट जो होते हैं
वो सारा साल भर नॉनवेज खाते हैं या ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बहुत हार्ड होती है बॉडी के लिए डाइजेस्ट करने के लिए, तो इस दिनों में सब चीज़ें बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को टाइम चाहिए रीजनरेट होने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए। बट ये फास्टिंग के साथ साथ क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं, व्रत का सामान। अभी ये व्रत का सामान जो है ना, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि एक तो ये प्रोसेस्ड होता है, दूसरा फ्राइड होता है, गंदे बंदे तेलों में तला होता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं, चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो प्रोसेस्ड फूड पता ही है आपको कि आप वो अगर खाएंगे तो आपकी बॉडी को कोई ज़्यादा बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम रोटी नहीं खाएंगे, हम चावल नहीं खाएंगे, हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे, और उधर से वो व्रत का सामान खा रहे हैं। तो फास्टिंग मीन्स फास्टिंग, आपको अगर किसी चीज़ की फास्टिंग करनी है तो अपने बुरे थॉट्स की फास्टिंग करें, अपनी कुछ बुरी आदतें उन पे फास्ट करें कि इस बार से मैंने कोशिश करनी कि अब से मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। एक चीज़, एक बुरी आदत, एक कोई बैड हैबिट, या कोई ऐसी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि वो बैड हो, बट आप उसको छोड़ना चाहते हो, जैसे लेजीपन है ना, आप आलस करते हैं, या आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, जैसे जिम करने के बारे में आप सोच रहे हैं बट आप बहुत टाइम से सोचते जा रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उस आदत को छोड़ें, आप वर्कआउट करना शुरू करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी मीठा खाना बंद करूँगा, या ऐसी कोई चीज़ कोई भी आप प्रण लेते हैं, तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। बट ये जो बाजार की फास्ट वर्थ वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि इन दिनों में आपको पता ही है, फिर से वही बात कि डाइजेशन वीक रहता है, तो आपको ये चीज़ें डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एसिडिटी और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आने का, ब्लोटिंग होने का कारण सबसे बड़ा यही है। तो आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर आप सभी के साथ शेयर करें फैमिली में। थैंक यू सो मच।